तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे 57, 56 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो आज हम उससे आगे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 57 कि किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया। दो बार शासन आपको पता ही होगा कि किया था हुमायूं ने, और दो बार राज्याभिषेक हुआ था, उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है 58, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है 59, फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था। तो जो शेख सलीम चिश्ती थी, उनका जो मकबरा था वो पहले लाल पत्थर का बना हुआ था, फिर बाद में उसको हटवा के किसने उस पर संगमरमर लगवाया था। जहांगीर ने उस पर संगमरमर लगवाया था। अगला क्वेश्चन है 16, किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी कब्र को काबुल में ले जाया गया और वहीं दफनाया गया। तो बाबर को। बाबर की कब्र पहले आगरा में थी, फिर उसको बाद में ले जाके काबुल में दफनाया गया था। 61 क्वेश्चन है कि किस मुग़ल शासक को उपवनों, उद्यानों, अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार कहा जाता है। उपवनों का राजकुमार कहा जाता है बाबर को। बाबर को बाग बगीचे लगाने का बहुत शौक़ था। अगला क्वेश्चन है 62, कौन सा पहला मुग़ल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया था। तो ये था बाबर, जिसने काबुल और कांधार को आपस में मिलाया था। 63 है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना करी थी। तो ये थी बिलग्राम का युद्ध। हुआ तो उसका चौसा का भी युद्ध था, लेकिन बिलग्राम के युद्ध में उसने हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के मारा था, जिससे काबुल अरब की साइड भाग गया था। तो इसका आंसर है ए, बिलग्राम का युद्ध। अगला क्वेश्चन है 64 कि निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था। अकबर के समकालीन था रानी दुर्गावती। अगला क्वेश्चन है 65, शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, कहा है शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने आगरा में करवाया है, और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है औरंगजेब ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग होता है इसलिए इसे याद रखिएगा। 66 है कि किस मुग़ल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था। जजिया कर को पुनः लागू किया था औरंगजेब ने। अकबर ने जहाँ जजिया कर को हटा दिया था, फिर औरंगजेब ने दोबारा इसे लगा दिया था। 67 है कि किसके शासन में, मतलब अकबर के शासनकाल में, अलमगुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था। अलमगुजार नामक अधिकारी क्या करता था, कानून और व्यवस्था को संभालता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का स्थानांतरित किया था। किस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को किले दिए थे, पुरंदर की संधि के तहत। अगला क्वेश्चन है 69, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना जो हुई थी, वो हुई थी 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर अगला है 70 कि इन्हीं में से कौन सा मुग़ल बादशाह पहले तो अंग्रेज़ों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर मराठों का पेंशन भोगी, मतलब मराठा उसको जीवन भर पेंशन देते रहे। कौन था वो, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 71, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसने, किसके शासन में मुग़ल साम्राज्य तमिल क्षेत्र तक विकसित था, मतलब तमिल के क्षेत्र तक फैला हुआ था, वो था औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है 72, मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी। दोबारा उसने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था 1555-1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 73, मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी। तो हुमायूं जब वापस लौट के आता है, तो उसका युद्ध किससे होता है, शेरशाह सूरी के बेटे से। शेरशाह सूरी के बेटे का नाम क्या रहता है, सिकंदर शाह सूरी, क्योंकि वो तो मर जाता है कलिंजर के युद्ध में, इसकी मौत हो जाती है।
तो सिकंदर शाह सूरी जब अच्छे ही रहता है तो उसको आसानी से हरा देता है, उसके बाद हुमायूं को सत्ता वापस मिल जाती है। तो सरहिंद की युद्ध से वापस उसे सत्ता मिल गई थी। अगर अगर मतलब अगर वहाँ पर शेर शाह सूरी की मौत नहीं होती तो मुगल कभी वापस आ ही नहीं पाते। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी 74 है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी? तो दीन पला पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मौत हो गई थी। जैसे ही इसने सत्ता ली फिर 1556 में तो इसकी मौत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 75। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। तो ये किसके बारे में कहा गया? हुमायूं, क्योंकि उसका जीवन भर कभी भागते हुए कभी युद्ध लड़ते हुए और सत्ता को ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पाया। चलो ये अच्छा था, लेकिन उसने बाद में सत्ता ली तो ली थी कम से कम। अगला क्वेश्चन है 76। मुगल प्रशासन में मुहतसिब का क्या, मुहतसिब कौन था? एक लोक आचरण अधिकारी था मुहतसिब। 77 है। मुगल प्रशासन में मदद माश इंगित करता है, मदद माश क्या था? कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त विद्युत भूमि, मतलब विद्वान लोगों को राजस्व नहीं देना पड़ता था। ये 78 है। दास्तान ए अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? दास्तान ए अमीर हमजा ये क्या है? अब्दुल समद के द्वारा। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 है कि किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि ग्रहण की? तो ये की थी शेर शाह सूरी ने। पहले उसने हजरत आला की उपाधि ग्रहण करी थी, बाद में सुल्तान की उपाधि ग्रहण करी। अगला क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? किस मुगल बादशाह को, शाह आलम द्वितीय को गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? अगला क्वेश्चन है 81। मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, कौन है? मुआवा इन। अगला क्वेश्चन है 82। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, जिहाद का अर्थ क्या था उसके? दारुल इस्लाम। अगला क्वेश्चन है 83। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन 84। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, तो हुमायूं द्वारा युद्ध लड़े गए हैं गिनती बताता मैं आपको। सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर बिलग्राम जिसे कन्नौज भी कहा जाता है, फिर अंत में सरहिंद। तो इसे आप याद कर सकते हैं DCBC। तो इसका ऑप्शन सही भी हो जाएगा, देवरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम, फिर सरहिंद। फिर अगला क्वेश्चन है 85 कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम कहा है? किसने कहा है? ये कहा है ए एल श्रीवास्तव। 86 है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी, जहाँ पर वो चंद्रगुप्त वगैरह मौर्य शासन में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से बसाया था, उसी को इसने पाटलिपुत्र से पटना कर दिया था वापस। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 87 है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने कर लिए 87 तक। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा, और फिर भी और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है वो भी प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। 88 है कि पानीपत का जो युद्ध बाबर की जीत का मुख्य कारण था, कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध, मतलब क्यों, इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब किस कारण से वो जीता था? वो जीता था तुलूक गमापति, मतलब तोपों का इस्तेमाल किया था उसने। तोपों का इस्तेमाल किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ। कब हुआ था? 1526 में। फिर 89 है कि जबती प्रणाली किसकी उपज थी? जबती प्रणाली थी आपके अकबर की उपज। अगला क्वेश्चन है 90। जवाबित किससे संबंधित है? जवाबित है राज्य के कानून से। अगला क्वेश्चन है 91। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की वजह क्या थी? ईरान और मुगलों के बीच में झगड़े की वजह थी कांधार को लेकर, कांधार और काबुल को मिला दिया था ना बाबर ने, तो ये उनके झगड़े की वजह थी। 92 है कि मुमताज़ महल का असली नाम क्या है? अर्जुन बंद बानो बेगम। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा
बौद्ध बिहार की तरह है। बौद्ध बिहार की तरह कौन सा उसका है? पंचमहल। पंचमहल का जो नक्शा है वो बौद्ध बिहार की तरह है। अगला क्वेश्चन है 95, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसके पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम था अकबर शाह दित्य, अकबर शाह दित्य। 96 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था कौन था, कौन सा वो था राजपूता शासन? वो था कछवाहों से, सबसे प्रथम उसने जो वैवाहिक वाला संबंध किया था। 97 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को जीता था वो कौन कौन से थे? वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 98 कि किस निम्नलिखित में से मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा है? बाबर ने अपनी कथा लिखी थी वो लेकिन वो तुर्क में थी, ठीक है। अकबर ने अपनी कथा खुद से तो नहीं लिखी तो ये तो गलत हो जाएगा। औरंगजेब ने भी नहीं लिखी, जहांगीर ने लिखी थी अपनी और फारसी में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है 99, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया गया कहाँ से लिया गया? पारसियों से। जो नवरोज का त्यौहार मनाया जाता है वो कहाँ से लिया गया था? पारसियों से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है 100, तो हमें ये 100 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अगर अब आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। चलते हैं 100 क्वेश्चन पे कि दित्य ताजमहल किसे कहा जाता है जो कि औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी के याद में? उसको बोला जाता है बीबी का मकबरा। कहाँ पे है बीबी का मकबरा? औरंगाबाद में। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। दित्य ताजमहल कहा जाता है जैसे। अगला क्वेश्चन है 101, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे सबसे ज़्यादा, औरंगजेब बहुत ज़्यादा कट्टर भी था लेकिन उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा उसके दरबार में हिंदू सेनापति थे। 102 है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म को एक कहा था, को एक धर्म कहा था? किसने कहा था? अबुल फजल ने। और 103 है कि अनवर ए सुलही ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुलही पंचतंत्र का। पंचतंत्र के लेखक कौन है? अभी अगर पूछा जाता है तो अभी लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है 104, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का चित्रकार था मंसूर, जहांगीर के दरबार में। 105 है कि निम्नलिखित में से मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा हुआ है? ऐतिहासिक विवरण गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है 106, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सुलह एक कुल किस पर आधारित थी? एक राजनीतिक उदारता, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण और धार्मिक सहनशीलता। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। 108 है, गुलबदन बेगम की पुत्री, गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की, और हुमायूं की बहन थी, इसने हुमायूं नामा की रचना की। 109 है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? मुगल प्रशासन में जिले को सरकार नाम से जाना जाता है। 110 है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया था। 111 है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन महमूद मोहम्मद ने क्या नाम रखा? जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? बाबर का नाम था। अगला क्वेश्चन है 112, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया और उस टाइम उसका निर्देशन किसने किया था? फैजी ने। फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ गया। 113 है कि दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है? शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा की, शाहजहां। 114, निम्न मुसलमानों विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य के लिए अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना जिसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया है तुजी के बाबरी से के बाबरी। अगला क्वेश्चन है 115, निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सम्राट सिद्ध करने के लिए सहायक नहीं है? ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है? सहायक नहीं है। तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ये पहले गलत हो गया, बाकी सब सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 116, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने गुजरात विजय पर क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था और गुजरात
जब उसको गुजरात अभियान हुआ था तो उसने पहली बार समुद्र देखा था। अगला क्वेश्चन 117, हल्दी घाटी 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर का उद्देश्य था कि वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में, मान सिंह के बीच में 1576 में। और 118 है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? चित्रकार कौन बनाता था अकबर के टाइम पे? उस्ताद मंसूर। नहीं, उस्ताद मंसूर तो आपके शाहजहाँ के टाइम पे थे, सॉरी जहांगीर के टाइम पे थे। दशवंत था अकबर के टाइम पे, अकबर जो चित्र बनाता था। तो फ्रेंड्स, अभी हमने 118 क्वेश्चन तक देख लिया है, और आने आगे है जो आप वीडियो आएंगी उनमें हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।